Hello friends, welcome to the channel eLocal Writer. I hope all of you are doing very well. Up to last tutorial, हम लोग DBMS के काफी topics को cover कर रहे हैं और आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम DBMS का transaction topic की कुछ properties को पढ़ेंगे. I hope आपको हमारे tutorials clear हो रहे होंगे. अगर आपको कुछ problem है regarding tutorials, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमारी Gmail ID elocalwriter@gmail.com पे लिख सकते हैं. तो ट्यूटोरियल लंबा होने की वजह से हम तुरंत अपने टॉपिक पर जाते हैं. तो DBMS लास्ट ट्यूटोरियल में जब हमने ट्रांजैक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने समझने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जहाँ पे हमने डेबिट ट्रांजैक्शन बताया था, जिसमें डेबिट होता है, जिसके लिए अकाउंट नंबर, डेबिट अमाउंट की जरूरत होती है. बिगिन करते हैं ट्रांजेक्शन को, रीड अकाउंट नंबर और बैलेंस को रीड करते हैं, फिर बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस विड्रॉ अमाउंट, फिर उसको राइट कर देते हैं और फिर एंड हो जाता है ट्रांजेक्शन का. यही हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में सीखा था. इसी तरीके से क्रेडिट अमाउंट होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होता है वो बिगिन होता है, फिर रीड होता है, फिर बैलेंस उसमें एड होता है, फिर राइट होता है और फिर एंड हो जाता है. तो इनको हमने कुछ नंबरिंग दे दी है अपने हिसाब से, 1, 2, 3 कुछ भी. तो हमने यहाँ पे ID 1, 2, 3 और IC 1. अब ट्रांजेक्शन्स की जो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, इन चारों प्रॉपर्टीज को हम विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस समझने की कोशिश करेंगे. हमने इसको कुछ डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश की है. आई होप ये आपको क्लियर होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन इफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन फेल्स After executing IC1 and before executing IC2. IC1 की condition यानी read तो हो जाए, amount जो है वो read तो हो जाए, लेकिन IC2 यानी कि balance update ना हो. और अगर अचानक से ऐसी condition पर database fail हो जाता है तो क्या होगा? हमने last tutorials में database failures के बारे में काफी कुछ पढ़ा था. अब हम ये condition जो हमारे सामने आ रही है वो एक failure condition है, और इसको clear करने के लिए आंसर ये है कि इट इज पॉसिबल दैट द डेटाबेस इज लेफ्ट इन एन अननोन एंड अनडिटरमिनिस्टिक कंडीशन व्हेन द फेलियर ऑकर, बट यू हैव टू एक्चुअली प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग. ये होने से हमें रोकना होगा बाय सेइंग दैट इट विल ब्रिंग बैक द डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट फैशन इफ द फेलियर ऑकर. यानी कि हमको अगर तीनों इंस्ट्रक्शन में से ID1, ID2, ID3 या IC1, IC2, IC3 में से कोई अगर एक नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो हमें पूरे डेटाबेस को रोल बैक करना होगा, वापस हमको ओरिजिनल फॉर्म में लाना होगा. यानी कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो तीनों ही एग्जीक्यूट होंगे, इंस्ट्रक्शन IC1, IC2 एंड IC3 आर आइदर एग्जीक्यूटेड और नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल. या तो तीनों एक साथ होंगे या तो नहीं होंगे. यही हमें एटॉमिसिटी यानी पहली प्रॉपर्टी बताती है. मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के, अगर हमारे पास इफ ओरिजिनल बैलेंस 500 है, सम रीजन द डेबिट ट्रांजेक्शन कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड, ऑल द इंस्ट्रक्शन रिस्टोर द बैलेंस बैक टू 500. अगर कुछ सी वजह से, जैसे हम कभी ATM से कैश विड्रॉ कर रहे हैं और किसी वजह से अगर ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया, तो वो वापस 500 पर आ जाएगा. दिस इज वॉट वी मीन बाई अनडूइंग अ ट्रांजेक्शन. तो इसका क्या मतलब है कि ट्रांजेक्शन नहीं हुआ. द ट्रांजेक्शन ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच वर एग्जीक्यूटेड पार्शियली टिल कम्प्लीटेशन आर रोल्ड बैक, विच मीन ऑल दोज इंस्ट्रक्शन विल बी नलीफाइड. यानी कि उनके होने से कंप्लीट होने से पहले, पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से पहले अगर कोई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो हम सारे इंस्ट्रक्शन को रोल बैक कर देंगे, और इसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं. ठीक, तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हुई. नाउ द सेकेंड सिनेरियो इज दैट इफ द क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, वॉट आर द लाइकली थिंग्स दैट कैन हैपन. जैसे कि अगर क्रेडिट और डेबिट एक साथ होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि क्रेडिट और डेबिट एक साथ हो रहा हो हमारे अकाउंट से, तो उस समय क्या होगा? तो अगर हम कोई एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पर IC1 ने रीड किया, यानी क्रेडिट वाले ने रीड किया है कि अमाउंट 500 है, और ID1 ने भी यही रीड किया है, और उसके बाद फिर हम 200 रुपीस डिपॉजिट करना चाह रहे हैं और 100 रुपीस विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? IC2 विल से दैट 500 प्लस 200 700. तो वो IC3 क्या करेगा कि 700 को डेटाबेस में अपडेट कर देगा,
जबकि id2 क्या करेगा, id2 will try to reduce balance from 500 by 400 and id3 will try to write the 400. तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे वो 400 लिखने की कोशिश कर रहा है id3, जबकि ic3 700 लिख रहा है. तो इसीलिए कंसिस्टेंसी प्रोड्यूस होती है. तो कंसिस्टेंसी हमें क्या कहती है कि व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर एक्सेसिंग डेटा साइमल्टेनियसली, जब कई ट्रांजेक्शन एक साथ डेटा को यूज करने की कोशिश करे, द एक्सेस इज प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म. ठीक है, तो हम कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म की हेल्प से, कॉन्करेंसी कंट्रोल मतलब एक एक करके डेटा प्रोसेस हुए और डेटाबेस को एक्सेस किया जाए, विच आर डन बाई concurrently executing transactions are not lost on the database. A simple mechanism is that we log the database item and allow only transactions which acquired this log to change the value to those items. हम उसको database को एक log provide कराएंगे कि जो जो वो credit होना चाहता है या debit होना चाहते हैं तो केवल उसको एक्सेस मिले डेटाबेस का जब उनका एक्सेस का काम कंप्लीट हो जाए, तो फिर वो लॉग को रिलीज करेंगे एंड देन आफ्टर दूसरा कोई यूज कर पाएगा. ओनली व्हेन द ट्रांजेक्शन रिलीज द लॉग अदर ट्रांजेक्शन विल बी अलाउड टू यूज देयर डेटाबेस. दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक. ठीक है, तो इस टेक्निक की हेल्प से हम लोग कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं. Now the third scenario is where basically it is possible one transaction to see the value of other transaction before it is actually finished its full operation. जैसे कि हमने देख तो लिया किसी transaction ने ये check तो कर लिया कि हाँ 700 credit हुए, लेकिन वो database में store नहीं हो रहा, वो database में store नहीं हुआ है तो क्या होगा. जैसे कि now the debit has read the value 700 even before the committed condition will come. तो अगर कमिट होने से पहले ही हमारा डेटाबेस में कोई फेलियर हो जाता है तो डेबिट वाला क्या करेगा, उसे तो 700 दिख रहा है तो अमाउंट 700 डेबिट करने की कोशिश करेगा, बट डेटाबेस में तो वो मेंटेन हुआ ही नहीं. तो उस समय कौन सी कंडीशन पैदा होगी, तो उस समय जो कंडीशन बनती है उसके लिए हम यूज करते हैं आइसोलेशन प्रॉपर्टी का. तो आइसोलेशन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इफ फॉर द एनी रीजंस अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और अगर वो विजिबल नहीं होता है तो उसको हमें एबॉर्ट करना पड़ता है. यानी कि जब तक कोई डेटाबेस कमिट की कंडीशन पर नहीं आ जाता कि वो कमिट कर चुका है, तब तक उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे एबॉर्ट कर सकते हैं. और इसी को हम लोग कहते हैं आइसोलेशन. यानी कि पहले तो कॉन्करेंसी कंट्रोल होएगा, एक एक करके ट्रांजेक्शन होगा, और जब वो ट्रांजेक्शन हो जाता है उसके बाद वो डेटाबेस में सेट होने के बाद उसमें कौन सी कंडीशन आ जानी चाहिए, कमिट की. जब वो कमिट हो गया तो वो डेटाबेस में स्टोर हो गया, उसके बाद हम चेंजेस नहीं ला सकते. और अगर वो कमिट नहीं हुआ है तो वो अबॉर्ट हो सकता है और हमें वापस से पूरी कंडीशन को रोल बैक करना होगा. तो आइसोलेशन हमें यही सिखाता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं जहां पर कि डेटाबेस में चेंजेस ना आए हो लेकिन ट्रांजेक्शन चेंज हो गया हो, तो उसमें हम उसको अबॉर्ट करेंगे और वापस से ओरिजिनल कंडीशन पर लेके आएंगे. और आइसोलेशन करने के लिए हमें कमिट होना जरूरी होता है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कैस्केड कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स एंड कमिट प्रोटोकॉल्स विच गो टुगेदर इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूटिंग साइमल्टेनियसली ऑन द डेटाबेस. तो कॉन्करेंसी कंट्रोल और कमिट प्रोटोकॉल टुगेदर मिल करके हमें ये कन्फर्म करते हैं कि कई मल्टीपल ट्रांजेक्शंस ईजिली हो सकें. Now the fourth property is that कि सब कुछ हो गया, commit तक भी हो गया, अगर database server crash कर जाए. What happen if the database server crash before the change data is written on a stable storage? सब कुछ हो गया, commit तक पहुंच गए लेकिन फिर भी database crash कर गया, तो उस समय हम क्या करेंगे? कि one could imagine several situation where database value have been written, transaction have committed but their final values have not been written on the database. जैसे कि अगर हमने कभी हम पैसे डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में तो हमें एक रिसिप्ट मिलती है, तो वो रिसिप्ट क्या है, हमारा कंफर्मेशन है कि हमने डिपॉजिट किया. लेकिन अगर आपके अकाउंट में वो शो नहीं कर रहा तो आप उस रिसिप्ट के थ्रू आप ये दिखा सकते हैं कि आपने कमिट किया है, आपने वो प्रोसीजर किया है. तो कमिट करने के बाद कोई डेटाबेस रोल बैक नहीं हो सकता, बट अगर कोई सर्वर में क्रैश आ जाए तो क्या करेंगे, तो उस समय हम ट्रांजेक्शन की फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज ड्यूरेबिलिटी का यूज करते हैं.
तो ड्यूरेबिलिटी हमें क्या कहती है, द इफेक्ट ऑफ द कमिटेड ट्रांजेक्शंस आर नॉट लॉस्ट आफ्टर कमिटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डिपॉजिटेड सम अमाउंट टू योर बैंक, देन यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट इट इज नेवर लॉस्ट आफ्टर यू हैव एक्चुअली डिपॉजिट द मनी इन द बैंक. अगर आपने मनी डाल दी है तो वो कभी भी लॉस्ट नहीं होगी, और इसी को ड्यूरेबिलिटी कहते हैं. तो ड्यूरेबिलिटी की प्रॉपर्टी को इंश्योर करने के लिए यू हैव द बैकअप सफिशियंट्स, हमें सफिशियंट बैकअप्स रखने पड़ेंगे, हमें लॉक्स कमिट रखने होंगे या लॉक्स क्रिएट करने होंगे. एंड देयर आर वेरियस वेज इन विच दिस इफेक्ट हैज बीन प्रिजर्व टू मेक श्योर ऑल द कमिटेड ट्रांजेक्शन वैल्यूज कैन ऑलवेज बी ऑप्टेड बाई यूजिंग बैकअप्स एंड ट्रांजेक्शन लॉ. तो ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें बैकअप्स को मेंटेन रखना पड़ता है, लॉक्स मतलब फाइल्स को मेंटेन करना पड़ता है कि जितने कमिटेड ट्रांजेक्शन हैं उन्हें हमारे पास कहीं एक्स्ट्रा में भी हो, जैसे अगर बाई चांस कभी सर्वर क्रैश होता है तो हम उनका यूज कर सकें. सो आई होप आपको ये चारों प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी. आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें लिखिए, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे. और अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. और सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करिए ताकि आपको हमारे चैनल्स की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे. So thank you for listening the video. Please subscribe to our channel. Bye.